हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश जोशी फ्रॉम वडोदरा। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंसर्न पर्सन और पर्सन कंसर्न के बीच के डिफरेंस की। कंसर्न पर्सन एंड पर्सन कंसर्न। तो यहाँ पे कंसर्न पर्सन का मतलब होता है ही इज अ पर्सन, राइट? और दैट पर्सन इज वरीड अबाउट समथिंग। अ पर्सन हु इज वरीड अबाउट समथिंग इज अ कंसर्न्ड पर्सन। तो फिर पर्सन कंसर्न्ड कौन है? पर्सन कंसर्न्ड इज अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, हु लुक्स इनटू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट? अब देखिए, जैसे कि कंसर्न्ड पर्सन इज अ वरीड पर्सन। मान लो कि आपके क्रेडिट कार्ड पे आपने सिर्फ 10,000 रुपीज का मतलब एक्सपेंस किया है या स्पेंड किया है, ठीक है, और वो 10,000 रुपीज की जगह पे आपका बिल आता है 15,000 रुपीज का, राइट? अब आप जो है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कॉल लगाओगे, वो बंदा बोलेगा कि सर आई विल ट्रांसफर योर कॉल टू द कंसर्न पर्सन, राइट? क्योंकि जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है शायद से उसकी तरफ से या उससे आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो रही है, वो अपने सीनियर को ट्रांसफर करेगा और बोलेगा, काफी लोग ऐसी गलती करते हैं, और बोलेगा कि सर आई विल ट्रांसफर योर कॉल टू द कंसर्न पर्सन। पर वो गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज उसको उसकी जगह पे क्या बोलना चाहिए था कि आई विल ट्रांसफर योर कॉल टू द पर्सन कंसर्न, क्योंकि आपका पैसा ज्यादा कट चुका है। उसका मतलब ये है कि आप वरीड हो। इसके लिए वरीड हो, आपका पैसा जो कट चुका है उसके लिए आप चिंतित हो। तो यू आर गोइंग टू बी द कंसर्न पर्सन। एंड पर्सन कंसर्न इज अ पर्सन जो कंसर्न पर्सन का दुख दूर करेगा। मतलब आपके 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा जो है बिल आया है आपको क्रेडिट कार्ड का, तो वो क्रेडिट कार्ड का 5,000 रुपीज रिवर्स जो करवाएगा वो रहेगा पर्सन कंसर्न। So guys, अगर देखोगे यहाँ पे भी कंसर्न यूज हो रहा है, यहाँ पे भी कंसर्न यूज हो रहा है, यहाँ पे भी पर्सन यूज हो रहा है, यहाँ पे भी पर्सन यूज हो रहा है, बट कंसर्न के बाद अगर पर्सन यूज हो रहा है और पर्सन के बाद अगर कंसर्न यूज हो रहा है, तो दोनों में काफी फर्क है। समझ रहा है? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं। कंसर्न पर्सन इज अ पर्सन हु इज वरीड अबाउट समथिंग। एंड पर्सन कंसर्न इज अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो इस केस में पर्सन कंसर्न मतलब उसके पास कोई ऑथोरिटी है, राइट? या उसके पास कोई राइट्स है कि जिसकी वजह से वो आपका जो एक्स्ट्रा पैसा कटा है वो वापस दिलवाने के लिए सक्षम है। और कंसर्न पर्सन इस केस में कौन रहेगा? आपका पैसा कटा है, राइट? आपका बिल ज्यादा आया है, सो यू आर वरीड अबाउट समथिंग, तो यू आर गोइंग टू बी द कंसर्न पर्सन। So I hope कि आपको ये concerned person and person concerned के बीच का difference guys समझ में आएगा, right? और आपको ये video भी अच्छा लगेगा, right? तो आपको हमारा channel अगर पसंद आ रहा है, हमारे videos अगर अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे videos को share कर सकते हैं और हमारे channel को subscribe कर सकते हैं। Thank you very much.